हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। कोविड 19 से बचाव के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, अतिरिक्त उपायुक्त। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क जरूरी, मास्क न पहनने पर होगी गिरफ्तारी, जुर्माना अदा किए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। रेस्टोरां ढाबों में बिजली बचत की बजाय लोगों के स्वास्थ्य को दे प्राथमिकता। वैश्विक महामारी कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए सोनीपत अतिरिक्त उपायुक्त मुनीश शर्मा ने अनिवार्य रूप से मास्क के प्रयोग पर बल दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सोनीपत में मास्क के प्रति लोगों की लापरवाही के दृष्टिगत जुर्माना कार्यवाही की ओर सख्त किया जाएगा। मास्क न पहनने वाले लोगों को अब गिरफ्तार किया जाएगा और जब तक वे जुर्माना अदा नहीं करेंगे तब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट के तहत 160 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,51,500 पौधे लगेंगे रोपित। पौधगिरी अभियान के तहत स्कूलों के माध्यम से 1,10,000 पौधे लगाए जाएंगे। जल शक्ति अभियान के तहत भी 2,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। जिला के अलग अलग हिस्सों में जिला में सड़कों के किनारे 195 किलोमीटर क्षेत्र में किया जाएगा पौधारोपण। उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने बताया कि जिला में वन विभाग द्वारा अलग अलग स्कीमों के तहत 5,00,000 से अधिक पौधे रोपित किए जाएंगे। इसके लिए वन विभाग द्वारा बड़े स्तर पर अभियान चलाकर पौधारोपण का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्तमान सीजन में एग्रो फॉरेस्ट पौधागिरी जल सचित अभियान के तहत पौधारोपण के साथ साथ सड़कों के किनारे भी बड़े स्तर पर पौधारोपण होगा। खरखोदा में विधायक जयवीर को ज्ञापन सौंपने आए बर्खास्त हुए PTI। विधायक जयवीर बोले, सुप्रीम कोर्ट ने तो SYL का फैसला हरियाणा के हक में किया तो वहां कोई और कार्यवाही नहीं कर रही भाजपा। कहा, PTI को पॉलिसी बनाकर एडजस्ट करे सरकार। मंगलवार को खरखोदा में भी अपना रोष प्रदर्शन करते हुए बर्खास्त PTI ने स्थानीय विधायक जयवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक जयवीर वाल्मीकि ने PTI का समर्थन दिया और कहा कि वे इस मामले को विधानसभा में भी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की पॉलिसी बनाकर इन्हें एडजस्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने SYL मामले में हरियाणा सरकार के पक्ष में फैसला दिया हुआ है, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नियत व नियति में खोट है। खरखोदा पहुंचे बर्खास्त PTI का समर्थन करने के लिए आशा वर्करों की यूनियन की तरफ से उन्हें समर्थन देते हुए खरखोदा में किए गए प्रदर्शन में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई है। सभी यहाँ पहुंची हैं और ज्ञापन देने के लिए कमेटी यहाँ आई है। मैं बताना चाहूंगा, देखिए, ठीक है, कोर्ट का फैसला कोई भी हो, सर्वमान्य हो, न्यायपालिका के हम का गठन करते हैं। इसके साथ ही जनहित में सरकार का फर्ज बनता है कि रोजगार दे, जो हमारे युवा बेरोजगार है उनको रोजगार दे। इस दौरान चाहे PTI है, चाहे और कोई कर्मचारी है, उनको तुरंत वापिस ये फैसला लेकर तुरंत उनको बहाल करें, क्योंकि घर में अगर एक रोजगार है उसी के सारे परिवार चलता है और हम रोजगार ही छीन लेंगे तो ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। भाई, न्यायपालिका फैसला आता है, फैसला तो SYL पे भी आया हुआ है, उस पर क्यों नहीं गौर करते। ये रोजगार की बात आती है, लोग सरकार का काम होता है रोजगार देना, लेकिन छीनना, तो ये चीज की हम और निंदा करते हैं। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल। नमस्कार।